चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज का व्लॉग एक बहुत ही चिल और रिलैक्सिंग व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं और आप और हम करने वाले हैं थोड़ी बहुत छोटी मोटी हाउस शॉपिंग। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये नया अपार्टमेंट लिया है, जो कि अभी बहुत ही बिखरा हुआ है, बहुत ही मैसी है। जब हाउस टूर वीडियो आएगा तो मैं आपको आराम से बताऊंगी कि मैंने ये मकान कितने में लिया, कितने पैसे खर्च करे, तो प्लीज उसका इंतजार रखना। सो आज की वीडियो में हम जाने वाले थाई सो, जो कि है कोरिया का सबसे सस्ता शॉपिंग मॉल, जहां पर आपको जो भी छोटा मोटा सामान होता है ना घर का, वो मिल सकता है। और मैं पैसे बचाना चाहती हूँ, ज्यादा फालतू के खर्चे नहीं करना चाहती, तो उसकी वजह से वहां पर हम जाएंगे और कुछ सिंपल सा जो घर का सामान होता है ना वो खरीदेंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे घर में प्लेट नहीं है, ग्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले वो वाला अर्जेंट सामान है, तो हम वो वाला खरीदेंगे। और इवन दो आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और सनी है, एक्चुअली 2-3 घंटे बाद में बर्फ पड़ने वाली है, सो आई एम एक्साइटेड कि मैं आपको बर्फ भी दिखा सकती हूँ इस व्लॉग में। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम कपड़े चेंज करते हैं और बाहर जाने की तैयारी करते हैं। टरान, सो गाइस, ये रहा मेरा आज का फैशन, जो कि है काफी कम्फर्टेबल और कैजुअल फैशन। सो गाइस, कुछ दिन पहले मुझे पार्सल में ये दो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मिले थे, ये वाला है एक SPF सनस्क्रीन और ये वाला है एक मिल्क मड मास्क। और ये वाले प्रोडक्ट्स मुझे एक इंडियन स्किन केयर ब्रांड ने भेजे, जिसका नाम है विल्वा। और ये पहली बार नहीं है कि मैं उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, एक्चुअली कुछ टाइम हो गया कि मैं उनका एक सीरम है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो मुझे बहुत ही पसंद आता है। वेट अ सेकंड, लेट मी शो यू। टडन, हियर इट इज। सो ये वाला है एक मिल्क ड्रॉप ब्राइटनिंग सीरम। सो अगर आप अपने फेस पर एक ब्राइटनेस और एक ग्लो लेके आना चाहते हो ना, तो ये वाला सीरम सबसे बेस्ट है। ये बहुत ही लाइट है और इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है। माई हैंड फील्स सो नाइस राइट नाउ। सो अगर आप अपने स्किन को एक इवन टोन देना चाहते हो, ब्राइटनेस और ग्लो बढ़ाना चाहते हो ना, तो मैं आपको ये वाला प्रोडक्ट रेकमेंड करती हूँ। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर है राइस मिल्क एक्सट्रैक्ट, सो जो चावल का दूध होता है ना वो है इसके अंदर एज अ मेन इंग्रेडिएंट। टेक्निकली चावल को दूध नहीं आता, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह अपना थोबड़ा चिकना और चमकीला रखना चाहते हो ना, तो इसके अंदर एक और अच्छा इंग्रेडिएंट है, जो कि है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि आपका जो स्किन में मॉइस्ट होता है और जो वाटर रिटेंशन होता है ना वो मेंटेन करता है। और एक्चुअली इसको इस्तेमाल करने के बाद में मैंने नोटिस करा कि जो मेरे डार्क सर्कल है ना वो थोड़े कम हो गए, सो आई रियली रियली लाइक इट। अभी मैंने इसको आधा से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, तो उसको मुझे वापस ऑर्डर करना पड़ेगा। और ये रहे वो दो न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये वाला है एक सनस्क्रीन लोशन। मैंने कोरिया में बहुत सारे सनस्क्रीन इस्तेमाल करे, लेकिन सारे सनस्क्रीन जो एक व्हाइट रेसिड्यू होता है ना वो हमेशा छोड़ देते हैं, लेकिन ये वाला बहुत ही अलग है। लेट मी शो यू, लुक एट दिस, इट कम्प्लीटली अब्सॉर्ब इन योर स्किन, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लगाया भी नहीं है। और गाइज, ये रहा लास्ट प्रोडक्ट, जो कि है मिल्क मड मास्क। दिस इज रियली गुड फॉर डिटैनिंग, ब्राइटनिंग एंड अनक्लॉगिंग। इसके अंदर भी काफी अच्छे और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि ओट मिल्क एक्सट्रैक्ट। इवन दो इसके ऊपर लिखा हुआ है मास्क, ये एक पील ऑफ मास्क नहीं है, ये वाला है एक वॉशेबल मास्क। अगर आप भी ये वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो आपको ये आराम से जो विल्वा का वेबसाइट है ना वहां पर मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये वाले प्रोडक्ट्स अपने लिए खरीद सकते हो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए एज अ गिफ्ट, एज अ वैलेंटाइन गिफ्ट के लिए भी खरीद सकते हो। और अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट चाहिए ना, तो आप ये वाला कोड POO15 इस्तेमाल कर सकते हो फॉर 50% डिस्काउंट। सो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एनीवे गाइस, अभी मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए, जवानों की अड्डे में जाने के लिए कुछ हाउस शॉपिंग करने के लिए। और एक्चुअली क्योंकि थोड़ी सर्दी पड़ रही है बाहर, तो मैंने ये व्हाइट वाली स्वेटर चेंज कर ली है। लेट्स गो आउट। बाय मम्मा। गाइस, अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत ही कड़क धूप हो रही है, और देखिए आज का मौसम कितना मस्त मस्त वाला मौसम है। तो जवानों के अड्डे में जाने के लिए मुझे मेट्रो लेनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से मैं मेट्रो स्टेशन जा रही हूँ। वेलकम जवानों के अड्डे में। ये रही हमारी आज की पहली कपल गाइस। आज डाउनटाउन काफी खाली खाली लग रही है, सो क्योंकि मैं डाउनटाउन में बहुत ही जल्दी आ चुकी हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे आज ज्यादा लोग नहीं है। गाइस, मेरे पीछे रहा थाई सो, और वहाँ पर हम जाकर घर की छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं। थाई सो, हम ये बड़ी वाली छाबड़ी लेते हैं। मैं ये वाला लेती हूँ, ये है जो सिंक और बाथरूम साफ करने के लिए ब्रश होती है ना, वो वाली है। यहाँ पर रहे कुछ फेक आई लैशेस। मैंने ये नोटिस करा कि जो इंडियन लड़कियाँ होती हैं ना, हमारी जेनेटिक्स, जो बालों की जेनेटिक्स होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, तो हम लोगों को इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। हमारे ऑलरेडी नेचुरली जो आई लैशेज है ना, वो लंबे लंबे होते हैं। ये कितना क्यूट है, सस्ता भी है, लेकिन क्या करें, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फालतू में पैसे खर्च नहीं करने। यहाँ पर रहे नकली बाल, ये है एक नकली छोटी। अभी मैं नीचे वाले फ्लोर में जा रही हूँ, जहाँ पर किचन का और बेडरूम का सामान मिलता है। गाइज, ये बॉल कितना क्यूट है, इसके ऊपर पूज लिखा है, तो ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा। इसको आराम से डालते नहीं तो टूट जाएगा। गाइज, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं कोरिया में बहुत ही फेमस हूँ। इतनी फेमस हूँ कि यहाँ पर मेरे नाम की चप्पल भी मिलती है। आई एम गोना गेट दिस वन, आई लव यू गाइज। ये एक छोटा सा क्यूट सा कचरे का डब्बा, तो हम ये भी लेते हैं बाथरूम में रखने के लिए।
क्या आप गैस कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए है? सो बेसिकली इसके अंदर आप अपना हाथ ऐसे डाल सकते हो और अपने हाथ को गर्म रख सकते हो, मतलब कि आप ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप चाहो तो ये क्यूट सा बड़ा सा क्यूशन टाइप में इस्तेमाल कर सकते हो। ये है मेरा फेवरेट फ्लावर जो कि है सन फ्लावर, और जब भी मैं सन फ्लावर को देखती हूँ ना तो मुझे जे होप की याद आती है। यहाँ पर रहे कुत्तों के कपड़े और यहाँ पर रहे कुत्तों के खिलौने। I'm gonna get this collar for Mong Mong। ये फिश वाला खिलौना भी ले लेते हैं Mong Mong के लिए, उसको पसंद आएगा मुझे पता है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो भी सारा किचन का सामान होता है ना वो मिलेगा, और मुझे यहाँ पर आके बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मैं कुछ चीज को हाथ लगाऊंगी और वो गिर जाएगी और टूट जाएगी। ये वाली बोल बेस्ट है रामयन खाने के लिए। मैं यहाँ से एक प्लेट भी ले लेती हूँ, पहले वाली नहीं लूंगी, दूसरी वाली लूंगी क्योंकि ये वाली गंदी होती है, सब हाथ लगाते हैं, लेकिन ये वाली थोड़ी सही होती है। लेट मी पुट दिस बैक अगेन। क्या आपकी भी आदत है कि जो सामने चीज़ होती है ना उसको आप नहीं लेते, और जो पीछे चीज़ होती है ना उसको आप लेते हो? प्लीज़ कमेंट में बताना। यहाँ पर सारे दुनिया के झंडे मिलेंगे आपको, लेकिन इंडिया का कहाँ पर है? ये गलत बात है, इंडिया भी कितना बड़ा देश है। चलो कोई बात नहीं, चलता है चलता है। मुझे क्यूट चीज़ें पसंद आती है तो मैं ये क्यूट वाला कप लेती हूँ। फ्राई पैन, यहाँ पर रहे कुछ चाकू छुरियाँ जो कि मुझे सब्जी काटने में काम आएंगे, तो ये भी डाल लेते हैं। पता नहीं क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम आएगा। चॉपस्टिक एंड स्पून खाना खाने के लिए। ये वाली है बच्चों की चॉपस्टिक, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि चॉपस्टिक कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर अपनी फिंगर डालते हैं और चॉपस्टिक्स यूज़ करना प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पर है बाथरूम का सामान। गाइस ये है एक स्पॉन्ज, जब आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं तो इसके साथ मसाज कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। हैंड वॉश, ये वाली चप्पल है बाथरूम में इस्तेमाल करने के लिए, कितनी क्यूट है ना, मुझे ये लेनी पड़ेगी। अरे ऐसी वाली झाड़ू तो सेम टू सेम इंडिया में भी मिलती है ना। गाइस अभी मैंने मोस्टली जो घर का छोटा मोटा सामान है ना वो ले लिया है, और अभी मुझे जॉब के लिए जाने के लिए लेट भी हो रहा है, तो मुझे जल्दी से घर पर जाना चाहिए। अभी हम ये सब पे करते हैं। तो जल्दी से टैक्सी लेते हैं और घर पर चलते हैं। यहाँ से यहाँ आसमान से डैंड्रफ गिर रहा है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ जॉब पर जाने के लिए, एंड आई वोर दिस लॉन्ग कोट। एक्चुअली अभी -5 degrees चल रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही क्योंकि दिस वन इज सुपर वार्म। स्नो मेरे यहाँ तक आ रही है। सो लंच के लिए मुझे कन्वीनियंस स्टोर जाना पड़ेगा क्योंकि सारे रेस्टोरेंट स्नो की वजह से अभी तक नहीं खुले, तो आई एम गोना गो टू दिस GS25 कन्वीनियंस स्टोर, और उसके बाद में मुझे ये नंबर 18 वाली बस लेनी है जॉब पर जाने के लिए। लंच के लिए क्या खाते हैं हम गाइस, मुझे खुद भी नहीं पता, यहाँ पर सब कुछ सोल्ड आउट हो गया है। लुक एट दिस, दिस इज न्यू वन, आई एम गोना गेट दिस वन, दिस वन लुक्स सो यम्मी। सो बेसिकली इसके अंदर है वेजीज, अंडा एंड रामयन, सो आई एम गोना गेट दिस वन। दिस वन इज योगर्ट, और यहाँ पर है 1+1, सो एक के साथ एक फ्री, सो लेट्स गेट दिस वन। यहाँ से लेट्स ओपन इट, डोले शोले, चीयर्स। सो ये है पीने वाला दही, और इसका टेस्ट है दही जैसा। और अभी हम ये शिनचान वाले रामयन ट्राई करते हैं, आई एम सो एक्साइटेड। और जो यहाँ पर वर्कर है ना, जो आंटी जी जो यहाँ पर काम करती है, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही यम्मी है। सो सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर हमें ये रामयन जो नूडल्स है ना ये डालने पड़ेंगे, कॉर्न, और अभी हमें इसके अंदर गरम गरम पानी डालना है। नो गाइस, गाइस लुक एट दिस, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा हमेशा हर कन्वीनियंस स्टोर में ऐसा क्यों होता रहता है मेरे साथ, मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे उसको पकड़ना चाहिए था। मेरे साथ नहीं होगा तो फिर किसके साथ होगा, है ना। आई थिंक आई ऑल्सो बर्न माई हैंड बट आई कैन नॉट फील एनी थिंग राइट नाउ। थैंकफुली मैंने ज्यादा खाना नहीं गिराया, सो लेट्स लुक एट द ब्राइट साइड। और मैंने अभी इसके अंदर गर्म गर्म पानी डाल दिया है वापस, और इंतजार करते हैं इसको खाने के लिए। तो गाइज अभी ये बहुत ही अजीब गरीब नूडल्स तैयार हो चुके हैं, एंड आई होप कि इनका टेस्ट कम से कम अच्छा तो हो। इतने सैड नूडल्स मैंने कभी भी नहीं देखे। गुड गुड गुड। सो गाइज अभी हमने पेट पूजा भी कर लिया, लंच भी कर लिया है, और अभी टाइम हो चुका है जॉब पर जाने का। मैं मेरी स्वेटर चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि इसके अंदर से जो रामयन की खुशबू है ना वो आ रही है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है घर पर जाने का, कपड़े चेंज करने का, वापस निकलने का। सो आई एम गोना गो डायरेक्टली टू माई जॉब प्लेस।
सो गाइस अभी मैं मेरी ऑफिस में पहुंचने वाली हूँ, सो आई सी यू लेटर, बाय। हाय गाइस, सो अभी यहाँ के शाम के 7 बजने वाले हैं, मैंने मेरा जॉब भी खत्म कर लिया है और ओ इट्स स्नोइंग अगेन सो मच। एक्चुअली 5 मिनट पहले इतनी स्नो नहीं आ रही थी एंड वापस डैंड्रफ फ्रॉम द स्काई। गाइस फाइनली आई एम बैक होम, आई एम सो टायर्ड और यहाँ पर रहा मोंग मोंग मेरी छाती के ऊपर खड़ा है। एनीवे आज सुबह दिन बहुत ही अच्छा था और उसके बाद में इतनी स्नो आई कि मैं आपको क्या बताऊँ, और मेरा गला बैठने भी लग गया तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से सर्दी या जुकाम होने वाली है, तो प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं बीमार ना हूँ। एनीवे आई होप कि आपको आज का ये जो व्लॉग है ना, ये छोटा मोटा व्लॉग पसंद आया होगा एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो कि होपफुली होने वाला है एक कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज। अभी मैं सोच रही हूँ कि किस चीज़ के बारे में करूँ, तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है ना, कुछ टॉपिक्स है कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज के लिए, कुछ पता नहीं कलर्स तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं, एक्चुअली मैंने सारे कलर्स कर लिए हैं, अगर आपके पास कुछ अलग से आइडियाज हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून, आई लव यू, बाय।